तो इस लेक्चर में हम स्ट्रेन को स्टडी करेंगे। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस को हम लोगों ने देखा, अब स्ट्रेन को देखेंगे। देखिए, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसमें तीन तरह के मोशन देखने को मिलेंगे, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और एक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जो है वो सॉलिड बॉडीज में नहीं होता, जो रिजिड बॉडीज होती है उन पर जब फोर्स लगेगा तो वो ट्रांसलेट करेंगी, यानी एक डायरेक्शन में मूव करेंगी, या रोटेट करेंगी यानी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगी। दोनों कर सकते हैं, लेकिन फ्लूइड में एक और तरह का मोशन देखने को मिलता है जिसे डिफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि उसका रूप, उसका शेप बदल सकता है, इसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक फ्लूइड पार्टिकल है, मान लीजिए टू डायमेंशनल फ्लूइड पार्टिकल है, इस शेप में है और इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पे पहुंच गया। पॉइंट ओ पे हमने कोई फ्लूइड पार्टिकल लिया है तो मान लीजिए कि वो अब इस तरीके का हो गया, तो ओ ए बी सी जो फ्लूइड पार्टिकल था वो अब ओ ए बी सी इस तरीके का हो गया। एक तो इसमें ट्रांसलेशन देखने को मिला कि पॉइंट ओ ए डैश कर लिया, ये ओ से ओ डैश पर पहुंच गया, ये ट्रांसलेशन हुआ इसमें। इसके अलावा रोटेशन यूं देखने को मिल रहा है कि ये अपने एक्सिस पे घूम भी घुमा हुआ भी दिखेगा इस तरीके से, जैसे कि ये चीज की है यहां पर थी, यह पार्टिकल मान लीजिए यू था, यू था ऐसे हो, तो ये ऐसे रोटेट किया हुआ भी दिख रहा है, तो रोटेशन भी है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें डिफॉर्मेशन भी है, इसका शेप बदला हुआ दिख रहा है। तो ये तीनों तरह का इसमें मोशन हो सकता है फोर्स लगाने पर, ट्रांसलेशन और रोटेशन को हम अलग रखते हैं और यहां पर केवल डिफॉर्मेशन को देखेंगे जो कि सॉलिड बॉडीज में नहीं होता। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसको कैसे मेजर करें फ्लूइड के केस में, यह हमें देखना है। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन जो है डिफॉर्मेशन है और यह नॉन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन है। तो नॉन डायमेंशनल का मतलब दो तरह का स्ट्रेन हम देखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेन एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन, या इसी को कहते हैं नॉर्मल, डायरेक्ट मीन्स नॉर्मल, और सियर और टेंजेंशियल एक ही शब्द है। डायरेक्ट स्ट्रेन का मतलब यह है कि जब किसी लेंथ में चेंज है तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, जैसे कि ये लेंथ जो थी यहां पे ओ सी और ये हो गई ओ सी डैश, तो जो चेंज आया है इस डायरेक्शन में लेंथ में वो इतना है नॉर्मल डायरेक्शन में, तो सी सी डबल डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ओ सी, ये कहलाएगा डायरेक्ट स्ट्रेन, नॉन डायमेंशनल हो गया। नॉन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, दो तरह का होता है, डायरेक्ट और टेंजेंशियल।
डायरेक्ट मतलब जब किसी लेंथ में चेंज आएगा तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और टेंजेंशियल या शेयर क्या होता है, जो इसमें चेंज ये आया है इस तरीके का, जैसे कि ये शेप था और ये यूं हो गया, तो इसमें जो एंगुलर चेंज आया है, जैसे कि यहां पर हम देखेंगे ये इतना एंगल बदल गया, तो ये जो एंगुलर चेंज है ये शियर स्ट्रेन कहलाता है। तो एंगल जैसे आप मेजर करते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इस तरीके से हम इसको मेजर कर लेंगे, इसको डिटेल में हम भी देखेंगे। तो जो एंगुलर चेंज आता है इसको शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन कहा जाता है। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज अ नॉन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन इज नॉन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन। नॉन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन ये होता है स्ट्रेन। इसको डिटेल में हम देखते हैं। तो स्ट्रेन इज अ नॉन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन। अब इसको मेजर कैसे करते करेंगे, हमने बताया जैसा कि आपको कि नॉर्मल और स्ट्रेन इज ऑफ टू टाइप, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, इसी को डायरेक्ट कहा जाता है और इसी को शियर। तो हम इसको देखते हैं, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। Change in length to the original length of a straight line element. Element मतलब fluid element, straight line element. यहां पर भी स्ट्रेट लाइन एलिमेंट में ही जो चेंज आएगा उसके लिए। और शियर स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंगल बिटवीन टू लीनियर एलिमेंट। शियर चेंज इन एंगल between two linear elements, from the unstrained state to the strained state, strained state.
यानी नॉन डिफॉर्म स्टेट से डिफॉर्म स्टेट में जाने पर, जो कि दो लीनियर एलिमेंट के बीच में चेंज होता है, जैसे कि ये था अनस्टेड स्टेट और मान लीजिए स्टेड स्टेट ये ऐसे बदल गया, या यूं कह लीजिए इसको ऐसे चेंज हो गया मान लीजिए। तो दो लीनियर एलिमेंट के बीच में पहले ये एंगल था, अब ये हो गया, तो इसकी बात की जा रही है। तो इसके इसके बीच में इतना चेंज आया है और इसके इसके बीच में इतना चेंज आया है। अब देखिए इसको मेजर कैसे किया जाए, कैसे नापेंगे। मान लिया कि एक फ्लूइड एलिमेंट है, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट अपने सुविधा के लिए ले लिया। मान लीजिए ये एक फ्लूइड एलिमेंट है ए बी सी डी, और ये मूव करके थोड़ी देर बाद मान लीजिए यहां पे पहुंच गया। सपोज दिस लेंथ इज डेल्टा एक्स ओरिजिनली एंड दिस इज डेल्टा वाई। कोई फ्लूइड एलिमेंट है ए बी सी डी, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट है। पॉइंट ए पर हमने इसको कंसिडर किया है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और ये मूव करके पॉइंट ए मान लीजिए ए डैश पे पहुंच गया, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ जेड। और बी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये है, और इसका वाई एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लीजिए है ईटा। तो ए डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स प्लस जाई वाई प्लस ईटा, ये कोऑर्डिनेट। और तो फिर बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये देखना है। तो ओरिजिनली वी हैव अ फ्लूइड पार्टिकल ए बी सी डी एट पॉइंट ए इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट लिया है। लेट आफ्टर टाइम टी न्यू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश विथ ए डैश एस दिस, ए डैश के कॉर्डिनेट दिया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस पार्टिकल का, ए पे था ए डैश से पहुंच गया, तो जो एक्स और वाई
कोऑर्डिनेट में चेंज आया है जाई और ईटा, तो जाई एंड ईटा आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी किसी दूसरे पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट देखना होता तो वो जाहिर सी बात है वो कुछ और होता। मान लीजिए हमें इस पॉइंट का देखना है, तो इस पॉइंट का इसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि ये ओरिजिनली कहां था तो कहां जाएगा। तो हियर जाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड ईटा इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्लियर। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये देखिए, इसको यहां से लेते हैं। बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये देखिए, ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ए डैश के कोऑर्डिनेट है ये, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी का कोऑर्डिनेट है बी डैश इज ऑब्टेंड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स बी के, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश इज एक्स प्लस एक्स डैश प्लस जो बी में बी डैश में डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो बी में डिस्प्लेसमेंट आएगा जितना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वो क्या होगा, अगर ए में डिस्प्लेसमेंट आया है जाई तो बी में डिस्प्लेसमेंट आएगा जाई एक्स वाई नहीं होगा, ये होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट आता है किसी कोऑर्डिनेट में वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो ए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसमें डिस्प्लेसमेंट आया है जाई, तो बी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई उसमें एक्स एक्सिस के अलावा या जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके उसमें वो क्या डिस्प्लेसमेंट की क्या बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, एक्स एक्सिस के अलावा इसी तरह से वाई एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, वाई एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो बी डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बी के कोऑर्डिनेट प्लस डिस्प्लेसमेंट, बी के कोऑर्डिनेट प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई बी का कोऑर्डिनेट प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ईटा, ईटा इज ए फंक्शन ऑफ ईटा, ईटा क्या होगा यहां पर ईटा की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, ये होगा। तो बी डैश के ये कोऑर्डिनेट होंगे, तो इनको एक्सपेंड करके अगर हम लिखें बी डैश के कोऑर्डिनेट तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसका टेलर सस्पेंशन होगा जाई प्लस डेल्टा एक्स दिस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y में कोई चेंज हो नहीं रहा है तो टेलर सस्पेंशन होगा दिस टर्म प्रोजिस्टल प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, हायर ऑर्डर के टर्म्स होंगे तो हायर ऑर्डर के टर्म्स को ड्रॉप करते रहे। y का कोऑर्डिनेट इसी तरीके से ईटा प्लस डेल्टा एक्स,
हायर ऑर्डर के टर्म छोड़ दे रहे हैं, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब आइए डी डैश के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये बी का चेंज हो गया, डी का देखिए डी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए डी का कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, तो डी डैश का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट प्लस जो डिस्प्लेसमेंट आया है एक्स एक्सिस के अलावा, तो एक्स एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो फंक्शन किसका होगा, इस पॉइंट का, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा डी डैश का, डी का वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इसका ये प्लस डिस्प्लेसमेंट वाई के डायरेक्शन में, तो वाई के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है ईटा, ईटा इज फंक्शन ऑफ पॉइंट डी, डी क्या है दिस, ये होगा इनको स्पेंड, इसको भी स्पेंड कर ले, जैसे इसको हमने बी डैश को किया, तो बी डैश का कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस इसका एक्सपेंशन टेलर से एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स में तो कोई चेंज है नहीं, तो ई जाई प्लस डेल्टा वाई दिस, इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट में इसका एक्सपेंशन करिए ईटा प्लस डेल्टा वाई दिस, ये हो, तो ये इनके कोऑर्डिनेट मिल गए, जब ये एलिमेंट यहां से यहां गया और इसका शेप बदल गया तो ए का कोऑर्डिनेट ए ए डैश पे पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, बी बी डैश पे पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, डी डी डैश पे पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, सी सी डैश पे पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, देखिए तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, ए ए एस बी बी के कोऑर्डिनेट यहां लिख लेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, ठीक है तो ये हम जगह बना लेते हैं यहां पर नौ, तो नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सिंबल एप्सिलॉन एक्स एक्स से, एप्सिलॉन एक्स एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एप्सिलॉन एक्स एक्स एस स्ट्रेट, एस मीन्स स्ट्रेट, एक्स एक्स का मतलब यह है
कि जो फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, ए बी एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसमें जो चेंज आया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज आया है वो देख रहे हैं, एक्स एक्सिस का ये मतलब है। तो नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज चेंज इन द एलिमेंट लीनियर एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फ्लूइड एलिमेंट था, ये फ्लूइड पार्टिकल है, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन एलिमेंट लिया, स्ट्रेट लाइन एलिमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ए बी है, इसमें जो चेंज आया है एक्स एक्सिस के अलोंग उसको देखिए, वो है ए डैश बी डबल डैश। बी डबल डैश क्या है ये बताते हैं आपको, बी डबल डैश बी डबल डैश बी डबल डैश इज दिस। ये जो स्ट्रेट लाइन एलिमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, जब फ्लूइड एलिमेंट यहां से यहां गया तो ये स्ट्रेट लाइन एलिमेंट में जो चेंज आया है एक्स एक्सिस के अलोंग हम उसके उसको देखेंगे, ठीक है। ये जो चेंज है वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है ए डैश बी डैश, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज आया है वो देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज है ए डैश बी डबल डैश। तो ये जो एलिमेंट हो गया यहां पर इस अपने फाइनल स्टेट में या डिस्प्लेस्ड स्टेट में ए डैश बी डबल डैश एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो अगर एलिमेंट देखेंगे तो वो ये है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कितना आया है, ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट या डिफॉर्म्ड स्टेट ओरिजिनल स्टेट, तो चेंज क्या है ए डैश बी डबल डैश माइनस ए बी, ये हो गया चेंज। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज आया है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज आया है वो ये है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ए बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई हमने जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट लिया है एलिमेंट लिया है उसमें डिस्प्लेसमेंट के बाद या डिफॉर्मेशन के बाद नई स्टेट में जो चेंज आया है उससे जो रेशियो है वो देख रहे हैं, तो वो ये होगा। अब आप देखिए ये चेंज कितना है, ए डैश बी डबल डैश क्या है, ए डैश बी डबल डैश क्या है, बी डबल डैश और बी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, इनके वाई कोऑर्डिनेट में तो अंतर होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो बी डबल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट्स और बी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। बी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक्स कोऑर्डिनेट, यही बी डबल डैश का कोऑर्डिनेट होगा। बी डबल डैश के कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट से ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दें, ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दें तो ये लेंथ मिल जाएगी ए डैश बी डबल डैश। तो ए डैश बी डबल डैश इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी डबल डैश माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, तो बी डबल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट और बी डैश का सेम है, इसलिए इसमें से ये निकाल देंगे एक्स जाइड एक्स प्लस जाइड एक्स प्लस जाइड निकाल देंगे तो मिलेगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल जाई बाई डेल एक्स, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिस ये मिलेगा माइनस ए बी, ए बी लेंथ डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाय ए बी डेल्टा एक्स, तो भी है
नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस। तो पॉइंट ए का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट था वो जाई था, तो जाई का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस देखिए, नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो फ्लूइड एलिमेंट है उसमें जो चेंज आया है वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज आएगा वो देखना है। तो ये होगा, यहां देखिए ये होगा ए डैश डी डबल डैश माइनस ओरिजिनल लेंथ ए डी डिवाइडेड बाय ए डी। देखिए ओरिजिनल लेंथ ये थी वाई एक्सिस के अलोंग और डिस्प्लेस पोजिशन में वाई एक्सिस के अलोंग जो इसकी लेंथ है वो ये है। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो चेंज आया है वो ये हुआ। तो ये होगा देखिए ए डैश डी डबल डैश ए डैश डी डबल डैश ए डैश डी डबल डैश यानी ये लेंथ क्या होगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसके वाई कोऑर्डिनेट से इसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल दें तो ये लेंथ मिल जाएगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा डी डैश का, तो डी डैश के वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट से ए डैश का वाई कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, ए डैश का वाई कोऑर्डिनेट है ये, तो ये निकाल देते हैं तो मिलेगा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डेल ईटा बाई डेल वाई माइनस डेल्टा वाई माइनस ए डी, ए डी इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा दिस, तो पॉइंट ए पर फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया था और उस फ्लूइड एलिमेंट का जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट था वो डेल वो ईटा था, तो डेल ईटा बाय डेल वाई दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब आते हैं शियर स्ट्रेन कंपोनेंट, शियर स्ट्रेन कंपोनेंट क्या होगा, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन सॉरी शियर स्ट्रेन एट पॉइंट ए इज चेंज ऑफ द एंगल बिटवीन द लेंथ ए बी एंड ए डी इज चेंज in angle, change in angle between AB and AD. A पर ये दो लाइन एलिमेंट थे,
ये डिस्प्लेस होके यहां पहुंचा तो यही लाइन एलिमेंट ये होगा, तो एडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है, कितना एंगल में चेंज आया एडी और ए डैश डी डैश में कितना चेंज आया वो ये, और ए बी और ए डैश बी डैश में जितना चेंज आया वो ये, तो एंगल जो लाइन सेगमेंट में जो एंगुलर चेंज है वो देखना है हमें। तो हम कोई एक भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, जैसे ए बी हमने ले लिया, ए बी में जो एंगुलर चेंज आया वो ये है, ये भी शियर स्ट्रेन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी शियर स्ट्रेन को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दूसरा भी लाइन सेगमेंट है ए पर, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो ए बी का ही हो, हम इसको भी ले सकते हैं, इसके इसमें जो एंगुलर चेंज आया है लाइन सेगमेंट में एडी में उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा सेगमेंट है उसमें भी उतना ही चेंज आया, इसलिए कोई एक लाइन सेगमेंट शियर स्ट्रेन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए अगर दो लाइन सेगमेंट है तो दोनों का निकाल के एवरेज ले लेते हैं तब सही मेजरमेंट होगा, अगर थ्री डायमेंशनल फेस होता तो एक और सेगमेंट होता है यहाँ पे फिर उसको भी कंसिडर करते हैं और फिर एवरेज ले लेते हैं, तो चूंकि टू डायमेंशनल हमने केस लिया है इससे यहां पर दो लाइन सेगमेंट है और दोनों का जो एंगुलर चेंज है वो निकाल के उसका एवरेज ले लेंगे, ये पॉइंट ए पर जो शियर स्ट्रेन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो शियर स्ट्रेन एट पॉइंट ए इस चेंज इन द एंगल बिटवीन ए बी, चेंज इन एंगल बिटवीन ए बी एंड ए डी Change of the angle between the length AB and change in angles of line segment AB and AD and AD, तो ये हुआ, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा एक्स वाई यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो लाइन सेगमेंट है उसमें चेंज और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो लाइन सेगमेंट है उसमें चेंज और ये स्ट्रेन है एस, तो ये हो गया एंगल, इसमें जो चेंज आया है एडी में वो हो गया, ये सेगमेंट हो गया ये, तो इसमें जो चेंज आया वो ये है, वो हो गया एंगल डी डबल डैश ए डैश डी डैश प्लस दिस, यहां पर जो एंगल है वो ये है यानी एंगल बी डबल डैश ए डैश बी डैश, तो ये कितना है देखिए, ये है ये है एंगल, एंगल कैसे निकालते हैं दिस बाय आर्क, आर्क बाय रेडियस, तो उस हिसाब से डी डी डबल डैश डी डैश डी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश डी डैश ए डैश डी डैश ए डैश डी डैश प्लस इसी तरीके से यहां होगा बी डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डबल डैश, तो ये बनेगा कितना, ये हो जाएगा ए डैश डी डबल डैश कितना है ये लेंथ, इसका वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो डी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस डी
डबल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट, डी डबल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट है, ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये, तो ये निकाल दो इसमें से, तो ये बचेगा, तो डी डी डबल डैश इज दिस, दिस ए डैश डी डैश कितना है, ए डैश डी डैश नहीं डी डबल डैश नहीं, ए डैश डी डबल डैश कितना है, ए डैश डी डबल डैश मीन्स दिस लेंथ यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो डी डैश डी डबल डैश का वाई कोऑर्डिनेट डी डैश का वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट डी डैश का माइनस ए डैश का वाई कोऑर्डिनेट यानी ये निकाल देंगे, तो वी गेट दिस प्लस दिस, ये मिल गया, तो वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ये भी आपको होता है दिस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय दिस ये हो जाएगा डेल्टा वन डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा वाई प्लस दिस मीन्स वन प्लस दिस प्लस इसी तरीके से ये आपको मिलेगा बी डैश बी डबल डैश इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट तो बी डैश के वाई कोऑर्डिनेट से ए डैश का वाई कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए ए डैश का वाई कोऑर्डिनेट ये बी डैश का वाई कोऑर्डिनेट आपको बताया गया था बी डैश का वाई कोऑर्डिनेट क्या है ये हमने मिटा दिया है लेकिन आप अपने रिजल्ट में देख सकते हैं तो उससे हम इसको माइनस करके देखेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा एक्स माइनस ये मिलेगा इसी तरीके से ए डैश बी डबल डैश आपको मिलेगा ये आप देख सकते हैं ये मिलेगा ये मिलेगा तो दिस इज कैंसिल्ड आउट और इसको ऊपर ले लेंगे और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम पहला टर्म लेकर के छोड़ देंगे यानी वन माइनस हर ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे तो वन माइनस दिस हर ऑर्डर टर्म छोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा दिस तो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट जो है ये मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेन जो है ये है और शियर स्ट्रेन ये है एक्स एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और y एक्सिस के अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये
ये मिलेगा। दीज आर दी स्ट्रेन कंपोनेंट्स, दीज आर दी स्ट्रेन कंपोनेंट्स। अब स्ट्रेन कंपोनेंट से हमारा काम नहीं चलता है, हमको जरूरत नहीं है, हमको फ्लूइड में रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट चाहिए। रेट ऑफ स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन का से मतलब नहीं है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से मतलब है। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे फ्लूइड पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाया तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो के रुक जाएगा, ऐसा होता नहीं। आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स हटा लेने के बाद वो डिफॉर्मेशन वापस नहीं होगा, और जब फोर्स लगा रहेगा तो डिफॉर्मेशन होता ही चला जाएगा। फोर्स अगर भले आप न बढ़ाएं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया तो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होता ही चला जाएगा। जबकि सॉलिड में क्या होता है कि आपने एक फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, और डिफॉर्मेशन करना है तो और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्लूइड में फोर्स कितने समय के लिए लगा है डिफॉर्मेशन, इस पर डिपेंड करेगा। कितना फोर्स लगा है इस पर तो डिपेंड करेगा, कितने समय के लिए लगा है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इसलिए जरूरी होता है, यानी रेट ऑफ स्ट्रेन जरूरी होता है, यानी कितने समय में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितने समय में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट, ये जरूरी है हमारे लिए, ये महत्वपूर्ण है। स्ट्रेन कंपोनेंट महत्वपूर्ण नहीं है, रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट महत्वपूर्ण है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलावा जो स्ट्रेन होगा उससे मिलेगा, उसमें टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस स्ट्रेन कंपोनेंट। This is ये जैसा कि आपको बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट है y और ये टाइम है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी, किधर एक्स एक्सिस के अलावा, तो वो मान लेते हैं यू है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी में जो चेंज आएगा डिस्टेंस के साथ वही रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट है। इसी तरीके से रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा, ऑर्डर चेंज कर दीजिए डेरिवेटिव का, ये वाई एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, ये वाई एक्सिस के अलावा वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो ये होगा, और इसको अगर आप करेंगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा चेंज होकर के, ये वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टी इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस एंड दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड दिस इज द सम ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट्स, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई है या वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट हमको देता है। तो अगर वेलोसिटी में कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, यानी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो कोई स्ट्रेन नहीं होगा, यानी कोई भी विकृति यानी कि डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन तभी होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी कि
मान लीजिए कि एक फ्लूट पार्टिकल है इस तरीके का मान लीजिए, और यहां पर वेलोसिटी यू है और यहां पर यू प्लस डेल्टा यू एक्स है, डेल्टा यू है यानी चेंज है वेलोसिटी में। तो जाहिर सी बात है कुछ देर बाद अगर देखेंगे आप तो ये जितना मूव करेगा उससे ज्यादा ये मूव कर लेगा, तो ये एलिमेंट कुछ देर बाद ऐसे दिखेगा। ये तो हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में चेंज से। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में भी चेंज होगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज होगा उससे वाई एक्सिस के लॉन्ग इसमें डिफॉर्मेशन दिखेगा, और एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटीज में अगर कोई फर्क नहीं है, एक समान है यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, तो इस तरीके का कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। यहां में y के साथ चेंज आया है, ये डिस्टेंस y के साथ x में चेंज आया है यानी ये है हमारे पास, तो इसमें एंगुलर चेंज आपको देखने को मिलेगा इस तरीके। इसी तरीके से y एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है कोई फ्लूइड एलिमेंट ये है, यहां y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ये है और यहां y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ये है, और ये x के साथ बदल रही है, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये इधर कम मूव करेगा ये ज्यादा मूव कर जाएगा, तो ये फ्लूइड एलिमेंट ऐसा देखेगा यानी इसमें इस तरीके का एंगुलर चेंज आया है वो यहां दिख रहा है। और इस तरीके का अगर कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो किसी भी प्रकार का सीयर स्ट्रेस यानी ये जीरो होगा, सीयर स्ट्रेस नहीं दिखेगा। इफ यू इज फिक्स वी इज फिक्स चेंज नहीं हो रहा है एक्स और वाई के साथ, जीरो होगा सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेन जीरो होगा, तो कोई एंगुलर चेंज नहीं दिखेगा। तो अगर वेलोसिटी में ग्रेडियंट होगा तभी स्ट्रेन देखने को मिलेगा यानी डिफॉर्मेशन तभी देखने को मिलेगा। अगर पूरा फ्लूइड पार्टिकल एक समान वेलोसिटी से चल रहा है यानी फ्लूइड पार्टिकल के सारे एलिमेंट एक समान वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। डिफॉर्मेशन तभी दिखेगा व्हेन देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज होगा तभी स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो ये था रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट, और ये ध्यान रखिएगा ये टू डायमेंशनल रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट है। अगर थ्री डायमेंशन में है यानी एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन हमने कंसिडर किए हैं, तो थ्री डायमेंशन में जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे एप्सिलॉन एक्स एक्स जो कि होगा ये वाई वाई, ये जेड जेड, दिस इज वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस w, और शियर स्ट्रेस भी वहां पर तीन कंपोनेंट मिल जाएंगे उसके भी u विद रिस्पेक्ट टू y एंड v विद रिस्पेक्ट टू x। yz का मतलब हुआ w विद रिस्पेक्ट टू y एंड v विद रिस्पेक्ट टू z, एंड zx इज w विद रिस्पेक्ट टू x एंड v विद रिस्पेक्ट टू U with respect to Z। हम देख सकते हैं कि जो सीएल जो स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन एक्चुअली रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं, ये भी टेंसर ऑफ ऑर्डर टू है, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हम देख लेंगे, वो वही होगा जो टेंसर ऑफ ऑर्डर टू का होता है वो हम देखेंगे। तो स्ट्रेन भी जो है, अच्छा दूसरी चीज हम ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ स्ट्रेन भी एक सिमेट्रिक टेंसर होता है यानी कि यहां जो दूसरा कंपोनेंट है ये गामा जेड में, इनको हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होता है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन के भी 9 कंपोनेंट होते हैं और ये एक सिमेट्रिक टेंसर होता है जिसमें ये सेम होते हैं, इसलिए इसके भी ये 6 कंपोनेंट ही लिखे जाते हैं, सारे नहीं लिखे जाते। तो रेट ऑफ स्ट्रेन इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर टू एंड इज अ सिमेट्रिक टेंसर, और इसका वेलोसिटी से ये रिलेशन है, एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट से रिलेशन, रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर किसी फ्लूड में वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा, मोशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा यानी कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो फिर कोई वहां पे स्ट्रेन या रेट ऑफ स्ट्रेन कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सब जीरो होंगे, वहां पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा।
तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे रेट ऑफ स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन रूल, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरे से दूसरे में जाएंगे तो कैसे चेंज होगा, क्या रिलेशन होगा, ये देखेंगे और इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।